शेखपुरा पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आ गई है। पहला मामला है शेखोपुर सराय पुलिस का, जहां शेखोपुर सराय पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठग नीरज कुमार, धीरज कुमार और कुंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर ठग के पास से 13 मोबाइल फोन्स मिले, 3 बैंक पासबुक, 1 एटीएम कार्ड और 4 पैन कार्ड बरामद किए गए। वहीं दूसरा मामला जयरामपुर का जयरामपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शराब का जखीरा बरामद किया है, जिसमें इंपीरियल ब्लू का विभिन्न मात्रा में 1124 बोतल विदेशी शराब और 2280 कैन बियर भी बरामद किया गया है। शराब की कुल मात्रा 1446 लीटर बताई गई है। यह कार्रवाई बरबीघा के पार्क पर गांव में एक सरकारी ट्यूबवेल से जयरामपुर पुलिस द्वारा बरामद की गई। शेखपुरा से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 20/4/21 को सुबह में 7 बजे जयरामपुर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार झा, साथ में सहनी नंदन यादव और थाना का सशस्त्र बल मिलकर सूचना के आधार पर 5 बजियार में स्थित सरकारी ट्यूबवेल भवन से कुल 1445.970 ml अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है और उसके साथ साथ एक टाटा सफारी, जिसका निबंधन संख्या HR 51AB2150 बरामद किया गया है। बरामद सामानों के साथ 3 अभियुक्त कन्हैया कुमार, सुजीत कुमार और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से 750 ml, 375 ml, 180 ml और 50 ml का बियर जो है, 500 ml का बियर बरामद हुआ है। तो इस क्षेत्र जयरामपुर क्षेत्र में पूर्व में भी शराब की बरामदगी हुई थी और आज भी अच्छी खासी बरामदगी हुई है। मौके से एक कारोबारी के सर भागने की सूचना है, क्या उसके भी कार्रवाई होगी? एक व्यक्ति के भागने की सूचना है, जो अमर पासवान के रूप में उसको पहचान किया गया है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारी मात्रा में जो शराब बरामद हुआ है सर, वो माना जा रहा है कि फैजाबाद के एक शराब व्यापारी है, पुराना जो जेल में है अभी, उसका माल था ये। इस बारे में हम लोग जाँच कर रहे हैं, बाकी सारे चीज़ उनके कॉल डिटेल्स वगैरह मोबाइल वगैरह जो भी है उसके आधार पर जाँच की जाएगी। और सर अभी फिलहाल उसका सिंडिकेट जो है उसकी एक महिला मित्र चला रही है, इस बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, ये सब जांच में है और जांच के बाद ही बाद में पता चलेगा। अभी तो हम लोग इसका अनुसंधान शुरू किए हैं, अनुसंधान प्रारंभ हो गया है और शीघ्र ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। सर, शेखोपुर सराय में भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है सर इसमें? उसके बाद मुझे पूर्व में बता दिया गया है, आपको मालूम है कि शेखोपुर सराय में फर्जीवाड़ा जो है, साइबर अपराधियों का जमावड़ा है और लगातार उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उसी सिलसिले में कल भी गिरफ्तारी हुई है। स्वदेश वाणी।